गुड इवनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के क्रम में ये दूसरा हमारा सीरीज़ है आज हम लोग बात करेंगे कुछ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आ, उनके हेड क्वार्टर्स और उनकी फॉर्मेशन तो आज जो पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ए इसकी फॉर्मेशन नाइनटीन को होती है हेड क्वार्टर इसका लियोंग फिलीपींस में देखिएगा बहुत सारी किताबों में मनीला फिलीपींस देखने को मिलेगा लेकिन मैंडियॉन्ग जो है वो मनीला शहर के ईस्ट में पूरब में ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है काफ़ी डेवलप सिटी है तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्वार्टर मनीला नहीं बोलना है क्या बोलना है मैंडल्योंग फिलीपींस इसकी फॉर्मेशन नाइनटीन की है दूसरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान आसियान में टेन मेंबर हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन की बात करें 1967 का है इसका हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया इंडोनेशिया की कैपिटल भी है जकार्ता बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस इसकी फॉर्मेशन 1930 में होती है 1930 और इसका हेड क्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि बेसल नॉर्म क्या होते हैं बेसल नॉर्म 1 2 एंड 3 तो याद रखिएगा बेसल नॉर्म जो है बैंकिंग सिस्टम से

काउंसिल ऑफ द बाल्टिक सी स्टेट्स इसकी फॉर्मेशन 1992 की है और इसका हेडक्वार्टर स्टॉक होम स्वेडन स्टॉक होम स्वेडन की कैपिटल है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ई इसकी फॉर्मेशन 1998 में होती है और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंक जर्मनी देखिये स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और फ्रेंक जर्मनी में है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ई एफ टी ए इसका फॉर्मेशन 1960 में होता है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है नेक्स्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी ई एस ए इसकी फॉर्मेशन 1975 में होती है और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस पेरिस कैपिटल है फ्रांस की यूरोपियन यूनियन ई यू की अगर बात किया जाए तो ये नाइनटीन का और ब्रसल्स बेल्जियम ब्रसेल्स, uh, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है इसी के साथ में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाटो एन ए टी ओ नॉर्थ एटलांटिक टिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यस ब्रसेल्स, ब्रसेल्स, बेल्जियम में और बेल्जियम की कैपिटल भी ब्रसेल्स है जी फिफ्टीन समिट की अगर बात की जाए तो ये नाइनटीन नाइनटी उन्नीस का ये ऑर्गेनाइजेशन uh, है और इसका हेडक्वाटर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई इसकी फॉर्मेशन 1957 में होती है और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आई इसकी फॉर्मेशन 1947 में होती है और मॉन्ट्रियल कैनेडा मॉन्ट्रियल कैनेडा कैनेडा का शहर है मॉन्ट्रियल वहां पे इसका हेडक्वार्टर है अगर आप लोग इसे पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल जो तो, 16 सितंबर 1987 को साइन होता है और इसी वजह से 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं तो 16 सितंबर की डेट याद रखिएगा ठीक ओजोन डे के रूप में क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मोन्ट प्रोटोकॉल साइन हुआ था इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात किया जाए तो इसकी फॉर्मेशन 1919 में होती है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है अच्छा अभी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1919 में इस तरह का एक और ऑर्गेनाइजेशन और है या इंस्टीट्यूशन है कौन सा यस आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो भी नाइनटीन का है ओके इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC इसकी फॉर्मेशन 1863 में होती है कब 1863 में इसका क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 का है और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है नेक्स्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है और इसका फॉर्मेशन 1960 में होता है हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ आईएफआरसी इसका स्टेटमेंट 1919 का है और हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ही आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आई इसकी फॉर्मेशन 1956 में होती है हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये संस्थान अभी जैसे मैंने बात किया ये 1919 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ओके थैंक यू